ठीक है बेटा, आज हम लोग करेंगे। पहला है आप लोगों का सवाल, ओपन पेज नंबर 13, सफा नंबर 13 में देखिए बेटा। अजान के लफ्जी मानी और उसकी अहमियत बयान करें। ओके बेटा, ये आप लोगों को ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। ठीक है बेटा, जब आप लोग ये सवाल लिखेंगे उसके बाद जैसे ही आप जवाब जो है वो लिखना शुरू करेंगे, तो इसमें देखेंगे ये बेटे मेरे, अजान के लफ्जी मानी। ठीक है बेटा, आप ये लोग मार्कर के साथ लिखेंगे, ये नीचे आप लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे। अजान के लफ्जी मानी इतला देने या ऐलान करने के हैं। ठीक है बेटा, जी बेटे जल्दी से लिखना शुरू कर दें, ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को पनिश कर दूं, कि मैं आप लोगों को जो नोट्स हैं वो सिर्फ बोलूं और आप लोगों ने खुद नोट डाउन करने होंगे। ठीक है बेटा, ये जो जो बॉयज है ना, ये मैं इनको सबको ये क्लास से आउट कर दूंगी नेक्स्ट टाइम, अगर मैंने ये आप लोगों की बदतमीजी देखी। बॉयज बी केयरफुल, ऑल बॉयज, समझ आ गई आपको मेरी बात? मैंने एक ही भी सॉरी नहीं सुननी। जी बेटे, अजान के लफ्जी मानी इतला देने या ऐलान करने के हैं। उसके बाद आप लोगों देख रहे होंगे कि सवाल का एक सेकंड पोर्शन है कि आपने अजान की अहमियत बयान करनी है। आप लोग मार्कर के साथ ही लिखेंगे अजान की अहमियत। ठीक है बेटा, मुसलमानों की जिंदगी में अजान को खास अहमियत हासिल है। मुसलमानों की जिंदगी में अजान को खास अहमियत हासिल है क्योंकि इसके जरिए मुसलमानों को इबादत की तरफ बुलाया जाता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? बॉयस सुन रहे हैं आप? मुसलमानों को इबादत की तरफ बुलाया जाता है। अजान से अल्लाह ताला की बुजुर्गी वाजे होती है। अजान से अल्लाह ताला की बुजुर्गी वाजे होती है। फुल स्टॉप आएगा। रसूले खुदा की नबूवत की शहादत मिलती है। शहादत का मायने मैंने आपको कल भी बताया था, इसके मायने होते हैं गवाही देना कि नबूवत की शहादत मिलती है। और मुसलमानों की फलाह और कामरानी का पैगाम दिया जाता है। क्लियर है बेटा? कॉपी पे आप लोगों ने नीटली अपना काम ये सारा नोट डाउन करा है, और समीर खास तौर पे आपने अपना काम जो है, अपनी राइटिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों के पास बुक्स भी है, डेली का एक पेज करें। समीर सुन रहे हैं आप मेरी बात? और अरीब, काम को नीटली आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने लेसन का नाम लिखना है, उसके बाद अजान के लफ्जी मानी और उसकी अहमियत बयान करें। मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया है, इस सवाल के दो पोर्शंस हैं, दो हिस्से हैं। पहले आप लिखेंगे अजान के लफ्जी मानी, उसके बाद लिखेंगे आप अजान की अहमियत। क्लियर है बेटा? आंसर दें आप मुझे। क्लियर है बेटा, गर्ल्स एंड बॉयज? जी बेटा, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, अजान की फजीलत बयान करें। फजीलत यानी कि अहमियत। आप लोग जब ये आंसर लिख रहे होंगे तो मार्कर के साथ लिखेंगे अजान की फजीलत।
उसके बाद आप लोग पेन सिक्के साथ लिखेंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान की फजीलत बयान करते हुए फरमाया। तर्जमा, क्यामत के रोज अजान देने वालों की गर्दने तमाम लोगों से ज्यादा बुलंद होंगी। क्यामत के रोज अजान देने वालों की गर्दने तमाम लोगों से ज्यादा बुलंद होंगी। कॉमास क्लोज हो जाएंगे, फिर लिखेंगे आप, गोया अल्लाह ताला रोजे कियामत इन लोगों को अजान के बाइस बुलंद मुकाम अता फरमाएंगे। गोया अल्लाह ताला रोजे कियामत इन लोगों को अजान के बाइस बुलंद मुकाम अता फरमाएंगे। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, कॉमास में लिखेंगे, अजान की वजह से मोजन की मगफिरत यानी के माफी कर दी जाती है। अजान की वजह से मोजन की मगफिरत कर दी जाती है। क्लियर है बेटा? सवाल नंबर 3 देखें बेटा। अजान की इब्तदा यानी कि शुरू कैसे हुई? क्वेश्चन नंबर 3, अजान की इब्तदा आप हेडिंग डालेंगे बेटे। बॉयज आप ध्यान से सुने, मैंने आप लोगों का जैसे ही स्कूल स्टार्ट होगा ये मैंने नोट्स दोबारा रिपीट नहीं करने, और मैंने जाते ही आप लोगों का टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैंने सिंगल लाइन भी नोट्स के ऊपर देख ली तो देखना मैं आप लोगों की क्या शामत लेकर आती। क्लियर बॉयज? कंट्रोल योर सेल्फ। एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन जैद इंसारी हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा। मैं दोबारा से दोहराऊंगी बेटे, एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन जैद इंसारी हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा के एक शख्स काबा रू यानी के काबे की तरफ मुंह करना होकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये 2 दफा आएगा। और प्लीज बेटे इसको मार्कर के साथ लिखें। अब आपने बोर्ड पैटर्न फॉलो करना है क्योंकि अब आप लोग जो है वो 6th क्लास में आ गए हैं। पुकार रहा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ख्वाब सच्चा है। कुछ देर बाद हजरत उमर, ये भी आप लोग मार्कर के साथ ही जो ये नाम लिखेंगे, ने भी यही ख्वाब आकर सुनाया तो आपने तस्दीक फरमाई के मुझे वही के जरिए, वही यानी कि अल्लाह का पैगाम, अजान की तालीम दी जा चुकी है। चुनाचे आपने हजरत बिलाल अबीर, आप ध्यान दें, सिर्फ जो है वो मैं क्या आंसर पढ़ी हूं इसकी तरफ ध्यान दें।
चुनाचे आपने हजरत बिलाल को अजान के अल्फाज तालीम फरमाए और उनको अजान देने पर मामूर फरमाया। मामूर यानी के मुकर्रर। इस तरह अजान की इब्तदा यानी के शुरू हुई। बॉयज ये जो आप लोग जो है मीनिंग लेस जो आप जो ये मैसेज सेंड कर रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को ना इसकी भी सजा देनी। मैं पढ़ूंगा आपके सामने आंसर पढ़ूंगा और आप जो है फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं। बीर अजान की इब्तदा का ये जो आंसर मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा है बेटे, अनाया ये आपको बेटा ग्रुप में सेंड हो जाएंगे, डोंट वरी बेटे। ठीक है बेटा, ये आंसर जो है मैंने आप लोगों के सामने जो पढ़ा है बेटे ये है कि अजान जो है इस्लाम में अजान की इब्तदा यानी कि शुरू जो है वो कैसे हुई थी। ठीक है, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट, अब आप लोगों ने शॉर्ट आपके आंसर क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, ये भी आपने अपनी इस्लामियात की कॉपी में लिखने हैं। पहले आप सवाल लिखेंगे फिर जवाब और उसके बाद एक लाइन छोड़ के समीर आप भी सुन लें बेटे, सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में देखें, सवाल नंबर एक है अजान में कौन सी दावत शामिल है। अजान में कौन सी दावत शामिल है। ठीक है बेटे, आंसर देखें बेटा इसका जरा। अजान में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, अजान में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, कौमा आएगा उसकी बंदगी की शहादत, कौमा उसके रसूल की रसालत का इकरार, नीज नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत शामिल है। मैं दोबारा से आपके सामने पढ़ूंगी बेटे ये, अजान में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, उसकी बंदगी की शहादत, उसके रसूल की रसालत का इकरार, नीज नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत शामिल है। क्लियर हो गया बेटा, ये पहला आप लोगों का मुख्तसर सवाल जवाब है। क्लियर बेटे जी। सेकंड क्वेश्चन है मुसलमानों पर नमाज कब फर्ज हुई। जवाब देखें बेटा इसका, वाकये मेराज के वक्त से मुसलमानों पर पांच नमाजें फर्ज हुई। वाकये मेराज के वक्त से मुसलमानों पर पांच नमाजें फर्ज हुई। ठीक है बेटा, इतना ही इसका आंसर है। एक लाइन छोड़ के भी थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग जी। बॉयज क्लियर है, गर्ल्स कोई आपको मसला कोई बात समझ ना आ रही हो बेटे। सवाल नंबर तीन देखें, क्यामत के दिन किन लोगों की गर्दनें सबसे ज्यादा बुलंद होंगी। ठीक है, क्यामत के दिन किन लोगों की गर्दनें सबसे ज्यादा, ज्यादा का लफ्ज है वो बेटे आप इसमें ऐड करें, मैं लिखना भूल गई हूँ, मिस हो गया मुझसे, बुलंद होंगी। क्यामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें सबसे ज्यादा बुलंद होंगी। क्लियर है बेटा, क्यामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें सबसे ज्यादा बुलंद होंगी। जी जी बेटे मेरे क्लियर। अबीर हाँ जी, समीर ऐसे ही अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दे बेटे। नंबर फोर क्वेश्चन देखे जरा बेटा, इस्लाम में इबादत की तरफ बुलाने का तरीका क्या है। इस्लाम में इबादत की तरफ बुलाने का तरीका क्या है। आंसर देखे बेटे, अजान में इस्लाम में अजान के जरिए इबादत की तरफ बुलाया जाता है। इस्लाम में
अजान के जरिए इबादत की तरफ बुलाया जाता है। क्लियर है बेटा? जी मेरे बेटे, सवाल नंबर 5 आखिरी जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लें बेटे। एक सच्चा मुसलमान अजान की आवाज सुनकर क्या करता है? एक सच्चा मुसलमान अजान की आवाज सुनकर क्या करता है? जी बच्चों देखें इसका आंसर। एक सच्चा मुसलमान अजान की आवाज सुनकर तमाम काम छोड़कर मस्जिद जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक सच्चा मुसलमान अजान की आवाज सुनकर तमाम काम छोड़कर मस्जिद जाने के लिए तैयार हो जाता है। जी बेटे क्लियर है? अब आप लोगों ने ये सेकंड चैप्टर जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट टर्म का पढ़ाया है, अजान फजीला तो अहमियत, ठीक है बेटा, इसके जो है आप लोगों ने बुक के ऊपर जो है सफा नंबर 13 पे पेज नंबर 13 पे मेरे बेटे इसके ये 3 जो है वो लॉन्ग है आंसर क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। उसके बाद आप लोगों ने कॉपी पर ही 5 इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यूज करने हैं, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखते वक्त आपने नया सफा न्यू पेज आप यूज करेंगे, पहले सवाल लिखेंगे फिर जवाब और एक लाइन छोड़ के सेकेंड क्वेश्चन, इस तरह से 3, 4, 5 लिखेंगे। जी बेटा उसके बाद बुक पर ये सेकंड क्वेश्चन है आपका एमसीक्यूज है, फिर आप लोगों के गलत दुरुस्त मैंने आप लोगों को कल करवाए थे, और उसके बाद सवाल नंबर 4 खाली जगह का था। इस तरह से अभी चैप्टर जो है वो आप लोगों का क्लोज हो जाता है। क्लियर बेटा? कोई भी मसला? जी सुकैना बेटा कोई मसला? क्लियर है बेटा? जी मेरे बेटे कल इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो बेटा आप लोगों को मैंने न्यू चैप्टर करवाना है, फर्स्ट टर्म का 3rd चैप्टर वो होगा फरमा रवाओं को दावते इस्लाम, पेज नंबर है ये 33। आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो यही है कि जो मैंने आप लोगों को ये तफसीली सवाल जवाब और मुख्तसर सवाल जवाब जो मेरे बेटे मैंने आप लोगों को करवाए हैं और आपको सेंड भी हो जाएंगे, तो बेटे आपने इसको नीटली अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है बेटा। सबका जो काम है कल मैंने चेक करूंगी, आप लोग अपने कैमराज ऑन करके मैंने आप लोगों की कॉपीज देख ली, खास तौर पर समीर और अबीर की जो बहुत ज्यादा जो है सब मतलब के सारे मैनर्स जो है भूल चुके हुए हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों की स्पेशल कॉपीज चेक करनी है, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो है आप लोगों ने जो ये 3rd चैप्टर जो मैंने आप लोगों को करवाया है कह रही हूँ मैं फरमा रवाओं को दावत इस्लाम, ठीक है बेटा, इसकी रीडिंग जो है वो आप लोग कर लेना, मैं कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये करवाऊंगी। जी मेरे बेटे कोई मसला? कोई बेटा आपको मसला जो है, कोई इशू जो है, कोई अगर क्रिएट हो रहा है तो बेटा बताए मुझे। आयान काशिफ आए बेटा, साथ साथ लर्न करते जाएं। ठीक है बेटा, आप लोगों ने साथ साथ लर्निंग जो है वो अपनी कंटिन्यू रखनी है, ताकि जैसे ही इंशाल्लाह ताला स्कूल आप लोगों का ओपन होता है तो आप लोगों का जो टेस्ट है वो मैं स्टार्ट कर दूं, ठीक है बेटा, क्योंकि सिलेबस जो है आप लोगों का इंशाल्लाह ताला मैंने जल्दी कवर करवा देना है फर्स्ट टर्म का। जी बेटा कोई इशू?
जी टीचर। जी बेटा, बस मैंने आप लोगों को ये जो होमवर्क है वो लाजमी कल मैंने आप लोगों का चेक करना है, ठीक है बेटा। लिहाजा जैसे ही आप लोग फ्री होते हैं तो अपना जो होमवर्क है वो करना शुरू कर दे बेटे। अब्दुल अहद आप परेशान ना हो बेटे, आप लोगों को ये ग्रुप में सारे आंसर क्वेश्चंस बेटा टीचर ने जरूर सेंड कर देने होते हैं। क्यों आप परेशान हो रहे हैं अब्दुल अहद? ठीक है बेटा, बस थोड़ा सा वेट कर लें, 5-10 मिनट की बात है, आप लोगों को सब कुछ सेंड हो जाएगा, डोंट वरी बेटे। जी टीचर, आंसर क्वेश्चंस मैंने को सारे करवा दिए हैं। ओके टीचर। हाँ जी, चलिए आज आज इनको 5 मिनट पहले ही बस भी क्लास ऑफ कर दी जाए। जी ठीक है। हाँ जी, क्योंकि इनके इस्लामियात में ज्यादा लॉन्ग चैप्टर्स नहीं है इनके, ना शॉर्ट ही है ज्यादा। थैंक थैंक यू यू वेरी मच टीचर। टीचर। हाँ थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, इन द मीन वाइल योर असिस्टेंट सर इज कमिंग, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2 इन इंग्लिश। दिस एंड द लेसन नेम इज द स्कूल। यू ऑल नो दैट वी हैव कम्प्लीटेड इट। सो इन द लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी टेल यू दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर टेस्ट। प्रोबेबली इन दैट वीक और इन द नेक्स्ट वीक वी हैव योर इंग्लिश टेस्ट। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है। व्हेन एवर यू विल गोइंग टू फिनिश विद योर रिव्यू एक्सरसाइज, फिर हमारा टेस्ट होगा। इट विल बी काइंड ऑफ एन ऑरल टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आई एम वेरी मच अंडरस्टैंडेबल फॉर यू ऑल। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन रिगार्डिंग योर इंग्लिश लेक्चर एंड रिगार्डिंग योर इंग्लिश टेस्ट और चैप्टर नंबर 2, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। If you have any question, please raise your hand so that I can ask you. Very good, Elisha, that you have written. Please be the close Alisha, beta, close it. Close it to me, beta. Very good. These are the answer question that you have done. What about the other students? What about the other ones? What about Adnaya? What about it, Naya? Have you done your work? Sukena, where is your English copy?
सो कहना बेटा आई हैव आस्क अबाउट योर कॉपी वेयर इज योर इंग्लिश कॉपी बेटा ओपन इट एंड प्लीज लेट मी सी योर होमवर्क रिस्वा गुड दीज आर द ओनली आंसर ऑफ क्वेश्चंस ओके अमोस प्लीज शो मी योर वर्क ओके ओके दीज आर द ओनली आंसर एंड क्वेश्चंस ओके स्टाइश प्लीज क्लोज योर कॉपी स्टाइश प्लीज क्लोज योर कॉपी सो दैट आई कैन सी योर वर्क What about Adnaya? Adnaya Shakir. Please show me your work. Adnaya, please show me your work. Amu is good. Rumelia. Rumelia, I am unable to see your work, beta. Okay, these work, Rumelia, you have done your work in the form of the printed. You have only print your work. Beta, what about your copy? You need to do it on your copy as well. Amuz, it's okay. What about Fizal? Anna, that's good. Sukena, very good. Fazal beta, where is your copy? Ifra? Yes, very good, Ifra. Okay, that's fine. Ibrahim Elias, where is your work, beta? Ibrahim Elias, please show me your work. Abu Bakr, Janes, Taish, Rizwa, Adnaya, you all have done your work. That's very good. Because whenever your school is going to open, you need to do your work. You need to show your work to your teachers. We all will see your work and you have your exams. Hopefully, now it is clear to you all. Okay, students, now your time start for your next lecture. This is your social studies lecture. Please take out your SST books. This is your social studies lecture. Please take out your SST's book, beta.
हेलो हेलो। यस सर, आई कैन हेयर यू सर। ओके सर, इस विद यू सर। इस विद यू टू सर। यस सर। सर प्लीज स्टार्ट ना स्टार्ट शेयरिंग। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक ना रिकैप। सर टीचर यमुना इज प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स फॉर यू, ही इज रनिंग द स्लाइड्स। सर समवन इज डिस्टर्बिंग ना बिकॉज ऑफ यस टीचर, यस टीचर यमुना इज शेयरिंग द स्लाइड्स। ओके ओके प्लीज शेयर द स्लाइड्स प्लीज। ओके सर, प्लीज वेट अ मिनट। ओके यस सर, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके पेशवी डियर स्टूडेंट्स,